हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी। एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, बीकॉम एंट्रेंस हो या एमकॉम एंट्रेंस हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो, आज मैं फिर 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। और ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है, और बहुत से क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम पूछे भी जाएंगे। आइए इन सारे क्वेश्चंस पे काम करते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है। ये एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, जहां माइक्रो में हम यूनिट्स, जहां हम होल का स्टडी न करके एक पर्टिकुलर यूनिट्स का, मार्केट्स का, कंज्यूमर का स्टडी करते हैं। इसमें आइए इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो का पार्ट नहीं। सेकेंड, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी कब टू यू हाइएस्ट होता है, जब एमयू जीरो होता है, जब एमयू जीरो होता है। Which of following is not a feature of monopolistic competition? Monopolistic competition का क्या features नहीं है? Product definition है, unlimited mobility, ये इसका feature नहीं। Question number 4 पे आता हूँ। In which of following markets the price is determined by the industries and not by the firm? ठीक है? यानी कौन सा ऐसा market का firm है जहाँ price फॉर्म में प्राइस टेकर होती है, डिसाइडर नहीं होती है? वो है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस डिसाइडर नहीं होती। क्वेश्चन 5, लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन रिलेट टू प्रोडक्शन। ये कहां पढ़ते हैं हम लोग? प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एसोसिएटेड विद हिस्क। मार्शल ने कोऑर्डिनल अप्रोच दिया था और हिस्क ने ऑर्डिनल अप्रोच दिया था। 7, मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू द हायर पॉइंट अलॉन्ग विद द सेम डिमांड को, ये कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड होता है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, जहां प्राइस के घटने से डिमांड क्या होती है? घटती है। क्वेश्चन 8, इकोनॉमिक लॉज आर रिलेटिव। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज हाइपोथेटिकल, ये आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ, ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेट्स किया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या इसमें से ट्रू नहीं है? थ्योरी वाज गिवन इन मार्सल सही है। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल नहीं, ये यहां यूटिलिटी क्या होता है? कोऑर्डिनल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके चलिए। Which of following is not a feature of perfect competition? Homogeneous product होता है, large number of buyers होता है, demands का form is perfect नहीं, ये नहीं होता है यहाँ पे, ये गलत है इसमें। Question number 12, when demand curve is parallel to x-axis, then elasticity of demand, यानी demand curve जो parallel होता है x-axis के, इसकी बात की जाए, तो ये क्या होगा? Infinitive होगा, infinity होगा। Question number 13 में आते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉमोडिटीज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? आपका जीरो होगा। ओके, फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या शामिल है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर शामिल है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शामिल है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इनकम, लास्ट वाला पोर्शन होगा आपका, यानी ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाई CSO। CSO के थ्रू नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाई रॉबिन्स इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी सेंटर डेफिनेशन है रॉबिन्स का। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल पूछा है, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लॉ ऑफ मैक्सिमम, ये स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, वहां यूटिलिटी को मेजर्स नहीं करते। एनालिसिस ऑफ एन इंडस्ट्रीज फॉल्स अंडर, इंडस्ट्रीज तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही क्या होगा? कंसिडर किया जाएगा। 19, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी, इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। 20 में आते हैं,
डिमांड ऑफ गिवन गुड्स इंक्रीजेस विद इंफीरियर गुड्स। कब डिमांड बढ़ेगी? जब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। देखिए ये दिया है आपका इन इंक्रीज इन प्राइस, जब कंज्यूमर की इनकम कॉन्स्टेंट रहेगी और कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग जो है वो इन्फीरियर कमोडिटीज परचेस करेंगे। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड मीन्स, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड क्या है? लेस डिमांड ऑन हायर प्राइस, यानी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, ये फर्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। Which of following is the characteristics of the perfect competition? इसमें से कौन perfect competition का features है? Price control, few sellers, product differentiations, homogeneous product. ये आपका homogeneous product. Question number 24. When percentage change in demand is more than the percentage change in the price. आप जानते हैं ना कि EP हम लोग कैसे निकालते हैं? ये हम लोग का होता है EP is equal to proportionate change in demand. Proportionate change in demand upon proportionate change in price. तो इसमें जब ऊपर ज्यादा होगा नीचे का, वो तो एक से ज्यादा होगा, तो ये यहां होना चाहिए, इसको इलास्टिक वैसे होता, हाईली इलास्टिक है, तो आप इलास्टिक होइए वैसे यहां मान लीजिएगा कि यहां पे मेन टर्म्स क्या है आपका, हाईली इलास्टिक। ठीक है ना, ये नेक्स्ट आता हूं, क्वेश्चन नंबर 25, of the following which one is an example of external economics. इसमें से सब managerial economics, सब internal है, and इनमें से कोई वो नहीं। ठीक है, the difference between total cost and value, आप जानते हैं total cost is equal to fixed cost plus variable cost होता है, तो total cost से अगर variable cost निकाल देंगे तो क्या आएगा? fixed cost आएगा, यानी कि fixed cost हो जाएगा आपका। 27 पे आते हैं, द चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट्स लेस वन मोर, द चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और वन लेस यूनिट्स आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट। एक एडिशनल यूनिट्स की कॉस्ट जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। क्वेश्चन 28, नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में होता है? कंप्लीमेंट्री गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स में तो नेगेटिव होता है आपका, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 29, इन केस सब्स्टिट्यूट गुड्स द क्रॉस, आ गया वो भी चीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा? पॉजिटिव होगा आपका। आई क्वेश्चन 30, कैपिटल रिसीव्ड इन बजट्स इज कॉल्ड आपका बोरोइंग्स। The conditions of normal profit, normal profit कब होगा? जब AR is equal to क्या होगा? AC होगा। ये कहाँ पे है? देखिए, AR is equal to AC, पहला option हो जाएगा। 32 पे आता हूँ, which of the following is conditions of profit maximization? इसमें से कौन profit maximization है? जहाँ MC is equal to क्या होता है? MR होता है। ये हमारा सबसे best condition होता है, और ये MC is equal to MR, ये fourth है। स्लोप ऑफ डिमांड को हमेशा निगेटिव होता है, डिमांड कर्व जो बनता है वो यूं जाता है, ये डिमांड कर्व होता है, ये ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल इनकम इन अ कंट्री, नेशनल इनकम इन अ कंट्री इज सेम ग्रॉस जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस, ये होगा आपका थर्ड। क्वेश्चन 34, 35 पे आता हूं, द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ गिवन गुड्स नो, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन नॉर्मल गुड्स, ये कहां होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। द डिमांड कर्व फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व जो होता है लेस इलास्टिक नहीं होता है, मोर परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, आई क्वेश्चन 37, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, जैसे एमयू घटता है टोटल यूटिलिटी क्या होता है? एमयू निगेटिव होता है, टीयू क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल्स फॉर डिमांड, इसमें से कौन डिमांड के लिए एसेंशियल होता है? वांट्स, सर्टेन प्राइस, ऑल है इसमें, सब डिमांड्स के लिए एसेंशियल। क्वेश्चन 39, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट वैरीज आर ड्यू टू चेंज इन
अब देखिए इसने क्या पूछा है कि टोटल कॉस्ट व्हेन चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट वेरीज, वेरिएबल कॉस्ट होगा आपका, सुनिए आई मीन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट विच कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। अब प्रोडक्शन घटाया बढ़ा फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट होगा, कौन सा कॉस्ट प्रोडक्शन घटने बढ़ने से वेरी करता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, यूटिलिटी इज कौन सा कॉन्सेप्ट, इथिकल सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर नहीं, प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं, जनरल प्राइस लेवल ये होता है, ओके। क्वेश्चन 42, रॉबिन्स हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस, रॉबिन्स ने पॉजिटिव साइंस और मार्शल ने नॉर्मेटिव साइंस की बात की है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, होमोजीनियस, फ्री एंट्री, परफेक्ट नॉलेज, सब होगा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44, हु कंडक्ट्स द पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया, एनएसओ यही होगा आपका, ठीक है ना। आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स स्टडी नेशनल इनकम नहीं, प्रोडक्ट प्राइसिंग है ये होगा। वेबलोन गुड्स लग्जरीज गुड्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस द मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी कब डिक्रीज होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। इनकम डिमांड कर्व इज आल्सो नोन बाय द नेम एनवेलप कर्व, इंडिफरेंस कर्व, एंजल कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इन चीजों को। 94, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ सबसे नेगेटिव, क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज नेगेटिव इन केस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 50 क्वेश्चंस क्या है हम लोग का, देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, का क्या है, सेलिंग कॉस्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, सेलिंग कॉस्ट, ये यहां पे होता है। द फॉर्म अटेन नॉर्मल प्रॉफिट AR इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन नंबर 52, अ फॉर्म बिल इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट MC इज इक्वल टू MR, जहां MR और MC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वही इक्विलिब्रियम होता है, MR इज इक्वल टू MC। विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, जो एक दूसरे जगह यूज किए जाए, पेन इंक नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री या कर्ट सुगर भी नहीं, कार टायर भी नहीं, किरोसिन LPG, इनमें से किसी एक को यूज करेंगे हम लोग, ये हमारा सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है। यूटिलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, वांट सर्टिफाइंग कैपेसिटी, ये है यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 55, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, पेट्रोल, डीजल, कॉफी, टी, कार पेट्रोल, कार पेट्रोल होगा कॉम्प्लीमेंट्री, मेड फॉर ईच अदर, द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, गिव ऑल हो जाएगा ऑल, ठीक है। 57, एट द मार्केट इक्विलिब्रियम देर इज नाइदर डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई लाइन्स मूव आपका इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, इन सेम डायरेक्शन डू नॉट इंटर, इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट, यही होगा हमारा, जो ये आप देखते होंगे, ये जो सप्लाई, ये डिमांड है और ये सप्लाई है आपका, ये डिमांड होता है, ये सप्लाई होता है, ये सप्लाई होता है, तो यहां ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ठीक है। आइए, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन विच इज कैशिट बाय होमोजीनियस कमोडिटीज, बस यही होगा आपका, होमोजीनियस होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, पहला ही होगा, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, IC कर्व हमेशा, ठीक है। कंजम्पशन इज, कंजम्पशन क्या है इसकी बात हो रही है, द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है, द एंड ऑफ ए भी नहीं है, बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए भी नहीं है, फिर नॉट ओनली बिगिनिंग बट ऑल्सो द एंड, हाँ ये होगा आपका 4th। फिर हु इंट्रोड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट, ड्यूपिट, ठीक है ना, ड्यूपिट ने फर्स्ट कंज्यूमर सरप्लस को किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसी रेंट वॉज गिवेन बाई कॉसी रेंट, मार्शल ने दिया था ये।
If a person has a thing which can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way. Law of equimarginal utility, जहाँ वह सबसे सबके लास्ट से mu equal पाएगा. The same marginal utility in all, ये होगा आपका ये. 64. The commonly accepted measures of economic growth is an increase in national income, an increase in the gross domestic GDP होगा आपका. GDP ही आपका सबसे main factor होता है इसके लिए. आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे आता हूं. Who contributed the concept of king demand curves? ये सी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन सेक्शन इन. मार्शल ने ये डेफिनेशन दिया था. ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मार्शल. 67. व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, MU जीरो. कब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है? जो MU जीरो होता है. अ कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस. ठीक है, फिर यही होगा. नीचे जरूर जाने जरूरत है नहीं, यही होगा. क्वेश्चन नंबर 69. कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, ये अनिवार्य वस्तुओं केस में. क्वेश्चन नंबर 70. कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है? इंटेंसिटी ऑफ वांट द कमोडिटी सेटिस्फाइड, द एक्सटेंट टू व्हिच प्राइस ऑफ कमोडिटी कैन बी रेज्ड, द एक्सटेंट टू व्हिच टैक्स द इकोनॉमिक वेलफेयर. यही आपका कंज्यूमर सरप्लस मींस इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक सेविंग्स. क्वेश्चन नंबर 71 क्या है देखिए. आइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिमांड इज रिस्पॉन्सिव, डिमांड चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. फिर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, यही होगा आपका प्राइस में चेंज कंपेरिजन में डिमांड में जिस रेशियो में चेंज हुआ है वो होगा. तो क्या है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस. क्वेश्चन नंबर 72. परफेक्ट इन इलास्टिक है ये इन इलास्टिक है. परफेक्ट इन इलास्टिक इज सोन बाई हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन. ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिक में देखा जाए तो ये आपका वर्टिकल लाइन ये जाता है. ठीक है, ये जाता है आपका, ये हम लोग का ये हो जाएगा. और व्हेन प्राइस इंक्रीज 10% एज द रिजल्ट डिमांड इज रिड्यूस्ड. व्हेन प्राइस इंक्रीज बाई 10%, प्राइस 10% बढ़ रहा है और डिमांड 15% बढ़ रहा है, तो इस केस में आपका क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा, यानी ये ईपी जो होगा वो मोर देन 1 होगा. क्वेश्चन नंबर 74 क्या है. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. माल्थस कंपेयर्ड पॉपुलेशन विथ नेशनल प्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू माल्थस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर पॉजिटिवली. नहीं, ये गलत है यहां पर. ठीक है, नेक्स्ट. The aim of consumer in using his income is maximize total utility, maximize his marginal utility to buy the goods he want most at whatever the price. Yahi hoga. Third, the expansion in demand is called expansion. Price घटने से demand जब बढ़ता है तो वह आपका expansion होता है. 77. According to Malthus, the population of country double itself 25 साल. 25 पीएस में डबल हो जाता है. विच ऑफ फॉलोइंग इज द गोसेन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इक्विमार्जिनल कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल, लॉ ऑफ इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं. 79. टोटल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज मूव अपवर्ड, ऑलवेज मूव डाउनवर्ड, इनिशियल फॉल राइजेज इनिशियली फॉल. ये होगा आपका दिस वन. 80 क्या है. 80 है कि हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट ओपिन दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज वन वेयर द पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम. डॉल्टन ने इस थ्योरी को बताया था. 81 पे आते हैं. इफ टू कमोडिटीज आर ज्वाइंटली डिमांड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएंगे आपके, जैसे कि ब्रेड बटर, कार, पेट्रोल, लाइट. अ कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन इंडिफरेंस स्कोप को टेंजेंट करता है, इंटरसेक्ट. ये थर्ड हो जाएगा. 83. फॉर एन इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? इस केस में निगेटिव होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स डिमांड क्या होगी? घटेगी. ठीक है, कंज्यूमर जब इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर कॉमोडिटी कंज्यूम नहीं करेगा, वो सुपीरियर कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा. 84.
विद इंक्रीज इन आउटपुट विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, आउटपुट बढ़ने से कौन सी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हर एक यूनिट के साथ बढ़ेगा। विच ऑफ फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाएगा ऐसे, एवरेज टोटल कॉस्ट भी ऐसे ही जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे ही जाएगा, बट ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो ऐसे जाएगा। यानी इसमें कौन सा आंसर होगा, पहला आंसर होगा। फिर 85, विच ऑफ फॉलोइंग 86, द डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म अंडर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट विल बी, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ऑर्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल को हम किससे मेजर्स करते हैं, इंडिफरेंस कर्व से। अंडर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अ सेलर गेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, कब होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जब एआर ज्यादा हो, किससे, एसी से, तब हमें क्या होगा, ये देखिए सी का ऑप्शन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज ओनली इन एग्रीकल्चर, ओनली इन एग्रीकल्चर, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं कि सारे फील्ड में एप्लीकेबल होता है। हु डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज ए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ। वेल्थ जहां आ गया उसके मेन कौन है, एडम स्मिथ है। द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, सुनिए, यानी टी आर इज इक्वल टू टी सी, टी आर इज इक्वल टू टी सी, और ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट्स, यानी यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट्स होगा आपका। 92, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल मींस टू सेटिस्फाइड सेटिस्फाई देम स्कैस, ठीक है। According to the law of demand, as the price of goods decreases, its demand, जब goods का price घटेगा तो उसकी demand क्या होगी, बढ़ेगी, increases, आई, ठीक है। Question 94, economics is the science of scarcity, Robbins ने कहा था इसको कि scarcity term जहां भी आएगा ना वो Robbins का है। Who is the author of books entitled Principles of Economics, Marshall ने इस बुक्स को लिखा था। 96, which one of following is not the factor of production, land, capital, value नहीं होता है, organizations, ये under profit competition of firm obtain in long run, long run में सीधे सीधे normal profit होता है। 98, law of substitution is also known as law of equimarginal utility theory, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 99, द लग्जरी गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाईली इलास्टिक, लग्जरी गुड के लिए होता है। एंड लास्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग कमोडिटीज हैज इन इलास्टिक डिमांड, शिफ्ट अ शॉर्ट कार, फूड ग्रेन्स, साइकिल, फूड ग्रेन्स, ये मैंने 100 क्वेश्चंस पूरा कराया, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में मैं बताया कि बच्चे बहुत लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी भी इंडस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम दे के आइएगा तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इसमें जरूर आपको बहुत से क्वेश्चन सेम मिलेंगे। इंडस्ट्रीज में एग्जाम शुरू हो चुके हैं, कल DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बीकॉम एंट्रेंस का एग्जाम है, आपको वेस्ट विशेष आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और मैं इसके बाद भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, चाहे BHU हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, मेरी वीडियोज आते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। किसी क्वेश्चन को लेकर आंसर्स में अगर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट, एक दो जगह प्रॉब्लम आई थी, बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मैंने उसको उनका लॉजिक बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज इस वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में कोचिंगें जहां बंद थी अब धीरे कोचिंग खुल रही है, ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं इस चैनल्स के इन क्वेश्चंस को,
बच्चे हर वीडियो का वेट कर रहे हैं और एक दिन में वीडियो नहीं आ रहा है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर हम लोग आपके ऊपर बेस्ड हैं, प्लीज आप वीडियो मिस मत करिए। मैं अपने डेली के शेड्यूल्स में टाइम निकाल के आपके लिए जरूर काम कर रहा हूं। कल बारिश का ऐसा माहौल था कि इतनी बारिश हो रही थी कल मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन आगे मैं कंटिन्यूअस काम करता रहूंगा। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहा हूं, BHU हो, DDU हो, LU हो, इलाहाबाद हो, कहीं का भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर आपके साथ नए वीडियो साथ नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, तब तक के लिए थैंक्स।